क्योंकि ये सब कल्पना के कवि बैठे हुए हैं। हाँ। ये सब बड़े बड़े कवि हैं साहब, मैं विडंबना का कवि हूँ। मेरे साथ विडंबना कटती है, विडंबना किस प्रकार की आनंद लेना। अच्छा, मैं आपको क्या बताऊं, मैं वाबई वाह में गया, फोटोग्राफर ने फोटो खींचे, वहाँ वाबई वाह एक प्रोग्राम होता है, मैं उसमें गया। अब शूटिंग के बाद में फोटोग्राफर्स ने फोटो लेना चालू करे प्रोमोस के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो वहाँ एक कवि थे, उनको खड़ा करा, उनके फोटो लिए 10-15-20 अलग अलग एंगल से, इधर से उधर से 10 तरीके से। फिर वो एक कवित्री थी, वो खड़ी हुई मुमताज जी, उनके फोटो लिए 10-15 फोटो इधर से उधर से 10 तरीके से। अच्छी बात है भैया यार। अब जब मेरा नंबर आया तो खाली एक ही फोटो लिया और बात खत्म। तो मैं बैठने लगा यार, अब मैं बैठने लगा इतनी देर में दूसरे फोटोग्राफर ने उससे बोला, बोले ले ले रोहित जी के भी ले ले फोटो यार। अरे बोले छोड़ यार, अरे बोले ले ले इनके भी, रोहित झन्नाट जी के भी फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार, बोले क्यों, उसका जवाब सुनना ताली नहीं रुकेगी। बोले ले ले रोहित जी के भी फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार, बोले क्यों यार। अरे बोले इसको बनाने में भगवान ने मेहनत नहीं करी, अपन काय को करो। मतलब ये स्थिति है, मतलब भगवान ने इस ब्रह्मांड का सृजन करा दिनेश भैया। अच्छा भाई, भगवान ने इस ब्रह्मांड का सृजन करा तो भगवान ने कहा कि चलो मैंने एक अद्भुत ब्रह्मांड बनाया। भगवान ने जब मनुष्य बनाया तो भगवान मुस्कुराया कि मैंने एक अद्भुत कृति बनाई, मनुष्य बनाया। लेकिन जब भगवान ने मेरे को बनाया तो भगवान ठहाका लगा के हंसा, अरे बोले मजा आ गया। तो नारद जी ने पूछा, बोला कि भगवान क्या मजा आ गया, आपने तो इतने सारे मनुष्य प्राणी बनाए, ये रोहित झन्नाट को बनाया तो इसमें क्या मजा आ गया। अरे बोले देख तो सही, मटेरियल तो थोड़ा सा लगा लेकिन आइटम कितना जोरदार बना। बात मटेरियल पंक्तियां बढ़ता हूँ, आनंद लेना। मैं ट्रेन में सफर कर रहा और आगे एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा हुआ, उसने धक्का दिया साहब। अब वो धक्का मेरा ये बॉडी सहन नहीं कर पाई तो मैंने पीछे वाले को ट्रांसफर कर दिया। अब पीछे वाले को ट्रांसफर करा तो वो भी अच्छा खासा हो रहा है, बिल्कुल रूंड सूंड, तो वो हाथापाई हो गई, मतलब लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। तो वो मेरे से क्या बोला, मस्ती लेना पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है भाई। वो मेरे से बोला कि अबे तू क्या लड़ेगा, तेरा चेचिस ही खत्म है। चेचिस मतलब कार के ढांचे को कहते हैं, और उसने मेरे ढांचे का अपमान करा। कि अबे तू क्या लड़ेगा, तेरा चेचिस ही खत्म है, तुझे पे तो फूंक मारना भी एक सितम है। हाँ। मैं बोल पटक दूंगा तुझे एक चांटे में। अब अगर कॉन्फिडेंस की तालियां हो तो फिर वापस मेरे तक पहुंचे। हाँ। कि मैं बोल पटक दूंगा तुझे एक चांटे में, चेचिस में नहीं दम तो क्या इंजन में तो दम है, चेचिस में नहीं दम। हाँ, मेरी हाँ। आनंद है, जत्र तत्र बिखरा पड़ा। अब आप यहाँ से देख रहे हो, इतना सारी पब्लिक बैठी हो, इस मंच को निहार रहे हो आप, यहाँ से लेकर के भूपेंद्र से लेकर के वो प्रिया तक, आप पूरे मंच को देख रहे हो, बोलोगे अरे जरा बैठे हुए लोग इनमें से यही जरा सा दिख रहा है। ऐसा नहीं है, ये बड़े बड़े को देख रहे हो, मेरे को जरा सा समझ रहे हो। तो ऐसा है कि ये माता बहनें जब रोटी बनाती हैं, आटा गूंद रही है, रोटी बना रही है, तो जितनी रोटी बनाना हो बना लेती है, आखिर में छोटा थोड़ा सा लोया बच जाता है तो उसकी छोटी रोटी बना करके रख देती है। ये बड़े बड़े पराठे हैं, तंदूरी रोटी, टिक्का, जरा सी रोटी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पंक्तियां बढ़ता हूँ, लेकिन मेरा यह छोटा सा कद आपको कोई जोक लगता है, मेरा यह छोटा सा कद आपको कोई जोक लगता है। अरे किसी की हंसी उड़ाना तो जमाने का रोग लगता है, और बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस्माने। पंक्तियां देता हूँ संभाल, बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस्माने, उस छोटी सी रोटी का ही गौ माता को भोग लगता है, उस छोटी सी रोटी का। क्या हो गया दादा, ठीक लग रही है मामला, मेरे को भी लग रहा है। हाँ, आप यूं कर रहे हो, मैं जम रहा हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोग अच्छा सुन रहे हो, हमारे वहाँ अग्रसेन चौक पर कार्यक्रम हुआ भोपाल में होली का, वो बीचों बीच सेठ जी बैठे हुए, वो ताली नहीं बजाए, गुर गुर के देखे सुमड़े जैसे, तो मेरे को बड़ा अटपटा लगा यार। आदित्य जैन खड़े हुए, इनने संचालन करा, कविता सुना रहे, तो सेठ जी बैठे हुए सुमड़े जैसे देखे, ताली नहीं बजाए, उनका नौकर बैठा हुआ वो भी ताली बजा रही, आनंद ले रहा, लेकिन वो ताली नहीं बजाए। तो मैं आखिरकार उतरा मंच के बाद, और मैंने बोला, मैंने कहा आदरणीय अग्रवाल साहब क्षमा करना, मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन आप ताली नहीं बजा रहे हो यार, क्या बात है, आप सुमड़े जैसा देख रहे हो, हमने क्या पाप कर दिए, ताली क्यों नहीं बजा रहे हो। तो ताली नहीं बजाने का क्या कारण बताया, एक छंद के माध्यम से रखता हूँ। हाँ। हाँ। स्वागत है भाई। ये तो एक दूसरे को बिठा रहे हैं, वो सम्मान दे रहे हैं, आप मेरे को सम्मान दे इधर देखो। हाँ, एक बार ढंग की जरा ताली बजा दो जरा व्यवस्थित। हाँ, आप बजा रहे, ये आप बजा रहे हो, उसने नहीं बजाई। हाँ, उसने नहीं बजाई। तो वो मेरे को क्या बोला सेठ जी, कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है। हाँ, इसके लिए भी रख रखे कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ। हाँ। तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है, हंसने मुस्कुराने की भी फुर्सत नहीं मुझे, मंदिर भी जाना मेरे नौकर का काम है, कि बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो या
कि बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो या मेरा कान भी खोजाना इस नौकर का काम है। तो मैंने पूछा ये दो बच्चे भी तुम्हारे ही हैं खुद के या फिर ये भी तुम्हारे? ये लफड़े पड़ रहे हैं तुम्हारे, ये कोर्स की बात है उसमें तुमको ये विडंबना है आजकल के कवि सम्मेलन की स्थिति है। अच्छा मैं वहाँ बस 5 मिनट ज्यादा प्राण नहीं पीऊंगा आपके, मेरे को आदत है ये पीने में देंगे। हाँ तो मेरे को पी पुआ जाओ क्या भरोसा। मैं इंदौर से चला रतलाम की तरफ बस में बैठ के बुआ जी को लेने के लिए राखी पे। अब बस में 10-15 लोग बैठे हुए यार, ज्यादा बस भरी हुई नहीं थी तो क्यों 5 बजे सुबह 6 बजे। अब वो बस में ज्यादा लोग बैठे हुए नहीं तो सबने अपने अपने हिसाब से किसी ने रुमाल रख रखा, किसी ने अटैची रख रखी, फोकट जगह घेर रखी। अब आगे बढ़े तो एक डोकरी माँ अगले बस स्टैंड पे किसी स्टॉप पे एक डोकरी माँ चढ़ी 85 साल की बूढ़ी। अब जैसे चढ़ी तो बैठने लगी यार वो, तो किसी ने कोई मना करता बोलो डोकरी माँ जगह नहीं, मेरा रुमाल रखा हुआ, जाओ पीछे जाओ, जाओ पीछे जाओ। वो पीछे जाने लगी, दूसरे जगह बैठने लगी तो वो डोकरी माँ अटैची रखी मेरी, जाओ पीछे जाओ, मेरा आदमी आ रहा, जाओ। ये फिर भी बैठने नहीं दिया यार, तो वो बुरा लगा उस कंडक्टर को, तो उसने उसको दया आ गई। तो उस कंडक्टर ने डोकरी माँ से बोला कि अरे अरे डोकरी माँ कोई बात नहीं है, तो बेकार लोग हैं आप, तो मेरे इस बोनट पे बैठ जाओ। तो डोकरी माँ बेचारी उस बोनट पे बैठ गई और वो गरम गरम चेटे भी सही यार, पर ठीक है वो डोकरी माँ बैठ गई बोनट पे, कोई बात नहीं ठीक है, यथास्थिति परिस्थिति काम करना। वो डोकरी में बैठ गई, बस चली। अब अगले स्टॉप पे 25 साल की सुंदर सी लड़की चढ़ी साहब। अब जैसे ही वो चढ़ी तो कोई अपना रुमाल हटा रहे मैडम यहाँ बैठ जाओ, कोई हटेची हटा रहे मैडम यहाँ बैठ जाओ, कोई अपना काम सामान उठा रहे मैडम यहाँ बैठ जाओ, पर वो पट्टी बैठे नहीं, उल्टा सिस्टम, वो बैठे नहीं, वो इधर उधर ठुमक ठुमक घूमे, नाटक कर नौटंकी। तो उसकी ये नौटंकी देख करके डोकरी माँ का दिमाग खराब हुआ। तो वो बोनट पे से किस अंदाज में और क्या बोली वो देखना, वो डोकरी माँ बोनट पे से बोली छोरी को चिल्लाते हुए, बोले बेटा ए नली, अरे बैठी जा बैठी जा, नहीं तो थोड़ा साल बाद थारे भी बोनट पे बैठ लो। ये परिस्थिति है, आपको देखना पड़ेगा क्या स्थिति है क्या कंडीशन। चार पंक्तियां देकर के स्थान ग्रहण करता हूँ। अच्छा भाई ये ठीक है कि बाहर आए बिना कभी कोयल नहीं गाती, बाहर आए बिना कभी कोयल नहीं गाती, अग्नि बिना कभी बाती जल नहीं पाती, और माना कि जवानी तन मन को जोश देती है, माना कि जवानी तन मन को जोश देती है, मगर बुजुर्गों के आशीष बिना मुसीबत टल नहीं पाती। और भाई मैं आदरणीय विनीत भाई साहब बैठे अशोक भैया बैठे हुए, मैं केवल 4 पंक्तियां आपको समर्पित करके जाता हूँ, क्योंकि केवल इसलिए कि ये जो आनंद की हिलोर मेले के उन झूलों से लेकर के वहां तक जो बनी हुई है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, ये नगर पालिका ने जो कार्यक्रम खड़ा किया है उसमें आप लोग इसलिए मुस्कुरा पा रहे हैं क्योंकि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे और -20 डिग्री सेंटीग्रेड में देश के नौजवान मां सीमा पर खड़े होकर के भारत माता को रगों में बसा करके प्राण को आहूत करने के लिए खड़े हुए हैं। 4 पंक्तियां पढ़ करके जाता हूं कि दौलत छोड़ी शोहरत छोड़ी सारा खजाना छोड़ दिया। अगर 4थी पंक्ति में आपको लगे कि देश के नौजवान की स्थिति और भारत सरकार की स्थिति में परिवर्तन हुआ है तो आपकी तालियां उठे। और बताना चाहता हूं कि दौलत छोड़ी शोहरत छोड़ी सारा खजाना छोड़ दिया, उस भारत माँ की खातिर किसी ने राज घराना छोड़ दिया, और हुंकार भरी जब सीमाओं पर जाकर वीर सपूतों ने, अब तालियां उठे आपकी, और हुंकार, अरे हुंकार भरी जब सीमाओं पर जाकर वीर सपूतों ने तो आंख दिखाते दुश्मन ने भी आंख उठाना छोड़ दिया, आंख दिखाते दुश्मन ने भी आंख उठाना छोड़ दिया। बहुत बहुत